नबी करीम फरमाते मैं बुराक पे बैठा, सफर शुरू हुआ, नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते मैं गुजरा। ये बात आपने सुनी हुई है पर बयान करने भी बड़ी जरूरी है। मरारतु अलल मूसा फहुवा युसल्ली फी कब्रिही रवाहु मुस्लिम। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला हिदायत का नूर दे, कहां बैठ के कुरान और सुन्नत पढ़ते हो, क्यों नहीं अकीदे को समझते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा, ये सुन्नी कान खोल के सुने, दिल खोल के, सही मुस्लिम की हदीस। फरमाया मैं मेराज की रात गुजरा तो हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अपनी कब्र में, बोले सारे अपनी कब्र में, हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े होके। अब आओ हजरत सईद बिन मुसय्यब ताबिया से सहाबा के शागिर्द हैं, वो कहते हैं जब यजीदी फौजों ने मदीने पर हमला किया और यजीद का मुकर्रर करदा इमाम आया तो सहाबा कराम मस्जिद नबी छोड़ गए, तीन दिन तक मस्जिद में नमाज, कहा हम यजीदी इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। मदीने पे हमला हुआ, मक्के पे हमला हुआ, हजरत सईद बिन मुसय्यब कहते हैं मैं दीवाना बन के, मजनून बन के अंदर घुस गया। यजीदी फौजें समझी मैं दीवाना हूं, शायद पागल हूं, मुझे उन्होंने तकलीफ कोई ना दी। फरमाते मैं नबी पाक की कब्र के साथ टेक लगा के बैठा था, जोर का वक्त हुआ तो मैं रोने लग गया, अब मैं नमाज कैसे पढ़ूंगा, अजान का कैसे पता चलेगा। आप फरमाते मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, जब अजान का वक्त हुआ तो नबी पाक की कब्र से अजान की आवाज आने लगी। फरमाते जब जमात का वक्त हुआ तो हुजूर की कब्र से इकामत की आवाज आई, फिर जमात की आवाज आई और मैंने अपने नबी के पीछे जोर की नमाज अदा की। हुजूर के पीछे हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़े और मेरे रसूल तो कब्र में जमाते कराते हैं, हुजूर जमाते कराते हैं। और आप फरमाते मैं तीन दिन मस्जिद, कान खोल के दिल खोल के सुनो, हमने कोई रेडीमेड अकीदा नहीं अपनाया, हम कोई दाएं बाएं से पकड़ के नहीं ले आए कि वो फुला आया था बहुत बड़ा, उसने जुब्बा कुब्बा पहना था तो उसके पीछे लग गए। हम किसी को नहीं मानते, हम तो मानते हैं रसूलुल्लाह के गुलामों को, हम तो मानते हैं सहाबा को। हमें हजरत सईद बिन मुसय्यब बता गए हैं कि जो कहे तुझको मुर्दा वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अगर जिंदा है तो जो मूसा के भी इमाम है, जो जनाबे मूसा के भी, ऐसे ही फटाफट हम पे तो किसी का रोबदार ही नहीं होता। इतनी इतनी मोटी जिल्दें लोग किताबों की दे जाते हैं, कहते पढ़ो जी की लिखे है, मैं क्या असल में इसके दिल में प्यार नहीं, इसने सिर्फ मोहम्मद लिख के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, इस ये थोड़ी देर बैठता बरेली के इमाम के पास तो इसे बताते हैं हजरत मोहम्मद ने लिखना चाहिए, लिखना चाहिए इमामुल अंबिया सरवरे कौनो मकां ताजदारे हल अता, लिखना चाहिए, लिखना चाहिए मुश्किल कुशा हाजत रवा हबीबे खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाह। तुम्हें तो नाम नहीं ढंग से लिखना आता, तुम मुस्तफा की बात क्या करोगे, तुम्हें क्या खबर। मिलाद की बात आए तो जायज नहीं, मिराज की बात आए तो कहते हैं ख्वाब में हुई थी, क्या बुगज है, रट्टा क्या है। आला हज़रत फरमाते खाए तुझको तपे सकर तेरे दिल में किससे बुखार है। हुजूर की शान की बात आती है तू अड़ जाता है। अबू बकर सिद्दीक से पूछ, अबू जाल ने आके कहा तेरा रसूल कहता है मैं 18,000 साल का सफर एक मिनट में तय कर आया हूं, जमीन जन्नत दोज़ख हर शय देख आया, अबू जाल कह रहा है। अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे अगर मोहम्मद अरबी ने कहा तो आकर साची कहा है, अगर रसूलुल्लाह ने कहा तो आकर मानने वाला, अकीदा बना मानने वाला। ऐसे लोग सड़क पे बैठ के बात कर देते हैं और फटाफट सुन्नी भी मसला पूछने आ जाता है, कहता है जी वो फलाना मौलवी वो कौन होता है, कौन है वो, किसकी बात कर रहे हो। बात करनी है तो अबू बकर सिद्दीक की करो, उस्माने गनी की करो, मौला अली की करो, अंस बिन मालिक की करो, तलहा और जुबैर की करो। हम किसी दाएं बाएं वाले शख्स की बात ना करते हैं ना सुनते हैं, हम पे नहीं किसी बंदे का रोबतारी होता है, चल दौड़ जा, हम तुझे क्या समझते हैं। हम तो समझते हैं उसको जिसकी बात से रसूलुल्लाह की प्यार की खुशबू आती है, जिसके नजरियात की खुशबू आती है। एक शख्स मुझे आगे कहने लगा जी नबी पाक को गैब था, मैं कहा चुप कर गल सही तरीके नल कर, तू कह के आका और मौला दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फलाम बात का पता था, ये लफ्जों का तो पहले हुसन सीख ले, तुझे पता ही नहीं,
बात करने का तुझे तरीका ही नहीं, किस तरह हम तेरी बात सुने, हम मुनासिब ही नहीं समझते तेरे जैसे आदमी की बात सुनना। तो भाई नजरियात पुख्ता करें, सुने मेराज मेरे रसूल पाक की, सुने नबी पाक का मेराज। हुजूर फरमाते हैं कब्र में जनाबे मूसा खड़े होके, और आगे सुने हुजूर फरमाते हैं मस्जिद अक्सा में गया तो मूसा वहां भी मौजूद थे, ये भी बुखारी है। हजरत मूसा वहां भी, फरमाते हैं मैं छठे आसमान पे गया तो मूसा वहां भी मौजूद थे। दसो किथे किथे ने, हजरत मूसा कब्र में थे कि मस्जिद अक्सा में, लो कड्डो मसला किथे सन, कब्र में थे कि नहीं, नहीं कब्र खाली जो निकले ने पिछो खाली, कब्र में थे कि नहीं, मस्जिद अक्सा में चटे आसमान पे। अजीब मत मारी गई है, कहते हैं जी अगर नबी पाक रोजे में है तो यहाँ कैसे देखते हैं, यहाँ देखते हैं तो वहां कैसे देखते हैं। हम कहते हैं हजरत मूसा जिनका कलमा पढ़ने के लिए मिन्नत करे रब की बारगाह में कि मुझे गुलाम बना ले अपने मुस्तफा का, ये शाल है उनके गुलामों की तो सरकार का आलम क्या होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते मूसा हर जगह और हर हाल जान रहे। अब सुनो सहाबा का अकीदा क्या है, अल हावी फतावा इमाम जलालुद्दीन सयूती, सैकड़ों साल पहले, आला हजरत को तो अभी 100 साल नहीं हुआ, सैकड़ों साल पहले इमाम सयूती अल हावी फतावा में हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला नो की हदीस लिखते हैं। हजरत अब्बास हुजूर के चचा है, कहते हैं जब जनाब उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला नो का मुआसरा किया बलवानियों ने, मुनाफिक इकट्ठे हुए जनाब उस्मान को शहीद करने के लिए, मैं हजरत उस्मान को मिलने गया, वो आखिरी दिन था उनकी शहादत का। जनाब अब्बास कहते हैं जब मैं पहुंचा तो मैंने उस्मान गनी की आंखों में आंसू और लबों पर मुस्कुराहट देखी, आंखों पे आंसू लबों पे मुस्कुराहट देखी। मैंने कहा उस्मान क्या हुआ, तो कहने लगे बस अब्बास मौज लग गई है, आज मेरी शहादत हो जाएगी। मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगे अभी अभी मैं सोया था, इस गली में मैंने मदीने वाले महबूब का दीदार किया है, यहां मैंने हुजूर के जलवे देखे हैं। फरमाया मैंने बताया कुछ नहीं, नबी पाक ने खुद ही पूछा है उस्मान 40 दिन के प्यासे हो, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, 40 दिन के प्यासे हो। मैंने कहा सोनिया बड़ी तकलीफ में हूँ, कब भूखे भी हो या रसूल अल्लाह, कई दिनों से इन्होंने रोटी नहीं पहुंचने दी। फरमाया मुख्तार रसूल ने फरमाया है अगर चाहो तो खाना भी आ जाता है, पानी भी आ जाता है, और अगर तुम्हारा दिल करे तो आज शाम अफ्तार मेरे साथ कर लो, रोजा रखा हुआ तो मेरे साथ कर लो। उस्मान गनी कहने लगे मेरा रसूल तो ये भी जानता है कि मैं प्यासा हूँ, ये भी जानता है मैं भूखा हूँ, ये भी जानता है मैंने रोजा रखा हुआ है। मैंने हाथ बांध लिए, मैं रोने लगा, मैंने कहा महबूबा नहीं, ना रोटी चाहिए ना पानी चाहिए, रोजा मैं आपके साथ खोलूंगा इफ्तार में। कहते हुजूर ने सीने से लगाया, माथा चूमा है, फरमाया फिर मौज बन गई, शाम तू इफ्तार मेरे साथ करेगा। हजरत अब्बास फरमाते कसम अल्लाह की इज्जत की मगरिब से पहले पहले उस्मान गनी शहीद हो गए। फरमाया लोग कह रहे थे उस्मान शहीद हो गया, और मैं कह रहा था नहीं, वो तो हुजूर के साथ दस्तरखान पे बैठ के इफ्तारी कर रहा है, तो इफ्तारी कर रहा है। कहां से अकीदा लाए हो, कहां से अकीदा लाए हो, ये धरती पे जितना हुसन है ये सारा है इसलिए कि मेरा रसूल सबको देख रहा है, मेरे हबीब सबको देख रहे हैं। और आला हजरत फरमाते हैं सबसे औला हो आला, हमारा नबी सबसे बाला हो आला, हमारा नबी, और फरमाते हैं ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला हमारा नबी। ला मकान तक उजाला भी नबी पाक का, और हर मकान में उजाला भी, ला मकान तक उजाला है जिसका वो है, हर मकान का उजाला।